हेलो फ्रेंड्स नमस्ते आदाब वेरी गुड लाइफ टू यू मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता अपने डेस्क पे आप सबका वेलकम करती हूँ स्वागत करती हूँ आज मैं दो ऐसी तकलीफ़ों के बारे में डिस्कस करूँगी जो कि सर्दियों में लोगों को तंग करती हैं और उनके सिम्टम्स तकरीबन सेम हैं थोड़ा सा फ़र्क है और लेकिन दोनों की मेडिसिन सेम है इसलिए मैं दोनों को आज ही आपको समझा देना चाहती हूँ पहला है चिल ब्लेंस इसको पर्नियों भी कहते हैं ये क्या है ये हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी त्वचा के नीचे हमारी त्वचा के नीचे जो खून की नलियां हैं यानी स्किन के नीचे इपिडर्मल लेयर पे या मैसोडर्मल लेयर पे वो सूज जाती हैं वो शिंक हो जाती हैं क्योंकि वो ठंडी हवा बर्दाश्त नहीं कर सकती और जहाँ ठंडक होगी वहाँ सिकुड़न होगी वहाँ शिंक होगी हर चीज़ एक तो चिल ब्लेंस, दूसरा है फ्रॉस्ट बाइट दोनों टर्म्स अलग हैं लेकिन इनके बहुत से सिम्टम्स सेम हैं फ्रॉस्ट बाइट में सिर्फ एक फ़र्क है कि फ्रॉस्ट बाइट चिल ब्लेंस की तरह ही स्किन पर इफेक्ट करती है लेकिन फ्रॉस्ट बाइट जो है वो हमारी हड्डियों और मसल्स को भी इमोबाइल कर देती है स्टिफ कर देती है चिल ब्लेंस क्यों होता है जब कोल्ड टेम्परेचर यानी ठंडक ठंडी हवा हमारे स्किन को छूती है और हमारी स्किन हमारा जिस्म अंदर से ठंडा है और उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता तो हमें चिल होते हैं। Frostbite और इसलिए होते हैं क्योंकि हर इंसान का हर मनुष्य का ह्यूमन बॉडी पांच मेन एलिमेंट्स से बनी है जैसे हवा पानी आकाश धरती और अग्नि इन पांच तत्वों का हमारा शरीर है पांच महाभूतों का शरीर है लेकिन अगर वो इम्बेलेंड है तो हम बीमार होते हैं कुछ लोग उनके अंदर हीट कम होती है फायर एलिमेंट कम होता है तो वो इन सर्दियों की बीमारियों से बहुत जल्दी एफेक्टेड हो जाते हैं तो इसमें चिल ब्रेन में क्या होता है जो हमारी स्किन है हमारी त्वचा चमड़ी है वो सोर हो जाती है इनफ्लेम्ड हो जाती है मतलब उसमें जलन होती है वो एक तरह से जख्मी हो जाती है बम्पी हो जाती है फूल जाती है उसमें ब्लिस्टर्स यानी छाले टाइप भी हमें महसूस होते हैं बहुत खुजली होती है इचिंग होती है और उसपे रेड पर्पल या ग्रे ब्लूइश पैचेस हो जाते हैं और चिल ब्लेंस ज्यादातर हमारे पाम हाथों को बैक ऑफ हैंड्स फीट सोल्स पैरों की हाथों की उंगलियों को अपना निशाना बनाते हैं उनमें क्रैकलिंग होती है वो कट जाते हैं और वो कट ऐसे होते हैं जैसे एक्जिमा के पेशेंट को होते हैं क्रैकलिंग स्वेलिंग होती है बहुत फूली हुई त्वचा होती है दर्द होती है जलन होती है बर्निंग एंड पेन्स गेट सपोरेटिंग कभी कभी उसमें पस भी आ सकती है या छोटे छोटे पानी से भरे ब्लिस्टर्स भी हो सकते हैं लेकिन आप एक कुदरत का करिश्मा देखें कि ये जो देखे है जहाँ पे फ्रीजिंग एयर है वहां पे चिल ब्लेन तंग नहीं करता इतना जितना कि क्योंकि वहाँ बर्फ जमी हुई है जहाँ बर्फ जमी होती है जैसे माउंटेन एरियाज में वहाँ पे ये तकलीफ नहीं आती क्योंकि वहां पे बर्फ की एक अपनी गर्माइश होती है लेकिन जब वहां से हवाएं उठती हैं वो जहां जहाँ वो हवाएं जाती हैं वो ठंडी होती हैं क्यों ठंडी होती हैं क्योंकि उनमें मूवमेंट है उनमें गति है जिस चीज में गति है उसका असर सबसे ज्यादा होता है जैसे कि एक अगर गाड़ी खड़ी है उससे एक्सीडेंट नहीं होगा वो आस्ते चल रही है तो भी नहीं लेकिन जब दो स्पीडिंग गाड़ियां आपस में टकराएंगी तो उससे एक्सीडेंट होता है कोई गोली आपके पास पड़ी है बंदूक में उससे कोई नहीं मरेगा लेकिन जब आप उसको चलाएंगे वो जब स्पीड से जाके कहीं लगेगी वहां पे इंजरी होगी इसलिए जो हवा चलती है उसके चलायमान होने की वजह से वो हमारे जिस्म में पहुंच जाती है और हमें तकलीफ़ देती है चिल ब्रेन जो है वो दो हफ्ते तक या मैक्सिमम तीन हफ्ते तक ऑटोमेटिकली खुद ठीक हो जाता है वो अपने से इट गेट्स बेटर एट देयर ओन लेकिन अगर ये ठीक नहीं होता तो शायद मतलब ये कोई परमानेंट इंजरी नहीं करता लेकिन अगर खुद ठीक नहीं होता तो आप किसी डॉक्टर को जरूर दिखाएं क्योंकि शायद ये किसी इन्फेक्शन होने का एक सिम्टम है जो कि बाद में डैमेज कर सकता है अगर इसे टाइम से आप ट्रीट नहीं करते वुमेन आर मोर अफेक्टेड देन मेन औरतों को चिल ब्लेंस ज्यादा होता है क्योंकि वो पानी का काम ज्यादा करती हैं इसमें प्रिकॉशंस क्या हैं जब ठंड हो तो आप अपने जिस्म को ठीक से ढक के रखें ड्रेस वार्मली गर्म कपड़े पहने हाथों पैरों को कवर्ड रखें जो जगह एक्सपोज होगी वहीं पे आपको चिलब्लेन्स हो सकते हैं लोशंस लगाएं जिससे कि आपकी स्किन में क्रैकलिंग या कट्स ना पड़ें टाइट क्लॉथ्स टाइट कपड़े मत पहने आप लूज कपड़े पहने जिससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी और दूसरा क्यों हम गर्म कपड़े पहनते हैं क्योंकि हमारी बॉडी से जो हमारी बॉडी फाइव एलिमेंट्स की बनी है हमारी बॉडी का वाटर आप देखते हैं किस तरह बॉडी को छोड़ता है पसीना और यूरिन बनके किस तरह हमारा बॉडी अंदर से पांचों तत्वों को पांचों धातुओं को बाहर निकालती है और जैसे बाहर के पांच तत्व हैं उनको लेती है तो हम इस कम्युनिकेशन को करना चाहते हैं कि बॉडी जो हीट है वो बाहर जाके हमारी बॉडी के अंदर ही रहे। कपड़े पहनने से एक कवरिंग होती है जो बॉडी की हीट निकलती है हमारी स्किन से वो एक और हमारी बॉडी के आगे पीछे बनाए रखती है और वो इवेपोरेट नहीं होने देती उस ताकत को इसलिए हम गर्म रहते हैं नेक्स्ट मैं चलती हूँ एक और टर्म है जिसे हाइपोथर्मिया कहते हैं हाइपोथर्मिया एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई है हाइपोथर्मिया सर्दी की बीमारी ही नहीं है हाइपोथर्मिया गर्मियों में हो सकता है वो एज पे डिपेंड करता है और वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है मेनली मैन्यूपोजल स्टेज पे में ज़्यादा होता है खासकर औरतों को होता है उसके सब सिम्टम्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि उसके बारे में बताने को बहुत कुछ है लेकिन आज मैं फ्रॉस्ट निक के बारे में बताऊंगी। उसमें मामूली सी नमनेस होती है लेकिन फ्रॉस्ट बाइट जो है वो ज़्यादा तंग करती है इसके भी सिम्टम्स सेम चिल ब्रेन जैसे हैं जैसे टिश्यू बिलो स्किन फ्रीज हमारी, हमारी, हमारी उंगलियों के पैरों के उंगलियों के नाक के कान के आप देखिए ये पोर्शन बहुत नाजुक हैं, बहुत नरम हैं, हमारे गाल हमारे चीक्स chin, हमारी ठोडी ये जहाँ जहाँ नरम हमारी स्किन है वहीं पर हमें फ्रॉज बाइट ज़्यादा होता है और इसमें भी सेम स्टिंगिंग, टिंगलिंग पेंस होती हैं लाल हो जाता है ग्रे हो जाती है स्किन हार्ड वैक्सी ब्लिस्टर लाइक स्किन हो जाती है और ये नम भी हो जाती है पेल हो जाती है यहाँ सुई चुभने जैसी अनुभूति होती है एक्सपीरियंस होता है लेकिन जैसे मैंने पहले बताया फ्रॉस्ड बाइट में एक और तकलीफ़ होती है कि जॉइंट पेन्स होती हैं मसल्स में बहुत दर्द होती है हड्डियों में दर्द होती है स्टिफनेस होती है और इमोबिलिटी आती है वो हिल डुल नहीं सकती और स्वेलिंग होती है जॉइंट्स में स्वेलिंग होती है और बहुत ठंड से शिवरिंग होती है और एक तरह का पैरालाइज स्टेज आती है और जिसमें हम बोल नहीं सकते मुंह अकड़ जाता है चेहरा अकड़ जाता है हाथ पैर अकड़ जाते हैं वो हिल नहीं सकते तो हम वैसे हमारे पास दोनों के लिए बहुत सी सेम मेडिसिन हैं लेकिन दो ऐसी मेडिसिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जिस जिसको मैंने सजेस्ट की या दी एक दिन में उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत ठंड लगती थी ठंड बर्दाश्त नहीं होती थी तो उन्हें एक दिन में कुछ घंटों में ही उनकी बॉडी हीट यानी फायर एलिमेंट उनका इतना कंट्रोल हो गया कि दूसरे दिन से उनको ठंड लगनी बंद हो गई और वो अपना नॉर्मली काम घर से बाहर जाके भी करने लगे वो खास मेडिसिन कौन सी आप एंड हेलोडर्मा कॉस्टिकम एंडलोडर्मा जो हमारे अंदर हीट प्रोड्यूस करती हैं हमें हाइपोथर्मिया चिल ब्लेन्स फ्रॉस्ट बाइट तीनों से हमें बचाती हैं बाकी जो मेडिसिन हैं चिल ब्लेन्स और फ्रॉस्ट बाइट की वो बिल्कुल सिमिलर हैं सबसे पहले मैं चूज करूँगी एगेरिकस को दूसरा पेट्रोलियम को क्योंकि पेट्रोलियम भी हमारे बॉडी की हीट को कंट्रोल करता है और जो स्किन पे इफेक्ट होता है उन स्किन की प्रॉब्लम से बचाता है लेकेसिस को लैकेसिस हमारे खून की नलियों पर इफेक्ट करता है और खून की नलियां ही शिंक होती हैं और फ्रीज हो जाती हैं इसलिए लेकेसिस एब्रोटेनम एब्रोटेनम रिकेट्स की दवाई है क्योंकि जॉइंट्स को तकलीफ होती है और रिकेट्स भी हड्डियों की तकलीफ़ है इसलिए एब्रोटेनम रस्टोक्स ये दर्दों पे भी इफेक्ट करता है और स्किन पे जो होने वाली एफेक्शंस हैं दोनों बीमारियों में उसको रसटोक्स ठीक कर देता है पल्सरटीला पल्स टीला बहुत अच्छी दवाई है और नेक्स्ट है सल्फर सेवेंथ मेडिसिन सल्फर है और दो मिला के मेरी बहुत फेवरेट दवाइयां हेलोडर्मा और कॉस्टिकम मैं आपको नाइन मेडिसिन से इंट्रोड्यूस करा रही हूं आप इनको याद रखें लेकिन आपका काम सिर्फ कॉस्टिकम और हेलोडर्मा से हो जाएगा टू हंड्रेड और वन एम अकॉर्डिंग टू एज ऑफ पेशेंट अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी और वो बीमारी कितनी पुरानी है हर साल आती है और कितने दिन रहती है उस हिसाब से आप पोटेंसी चूज करें लेकिन बच्चों के लिए थर्टी पोटेंसी बहुत है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करें शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग थैंक यू